ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने जनमंच कार्यक्रम की पूर्व गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में अधिकारियों को ई समाधान पोर्टल पर दर्शाई गई सभी जन समस्याओं को समय पर निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी समय पर अपने विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर ई समाधान पोर्टल पर नजर रखें और तत्परता से लोगों की समस्याओं का समाधान करें। मंडी डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने जनमंच कार्यक्रम की पूर्व गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में अधिकारियों को ई समाधान पोर्टल पर दर्शाई गई सभी जन समस्याओं के समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं अपने विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर ई समाधान पोर्टल पर नजर रखें और तत्परता से लोगों की समस्या का समाधान करें। ठाकुर ने अधिकारियों को जनमंच से पहले की अवधि में संबंधित पंचायतों में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचने, व्यक्तिगत तौर पर उनकी समस्याएं जानने और मौके पर समाधान का प्रयास करने को कहा है। 16 जून को जो इस बार का मंडी जिला में जो जनमंच है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सदर में है और जनमंच का स्थान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठली में है। ये जनमंच हमारा सुबह 10 बजे से शुरू होगा और सभी लोग जो अपनी शिकायतें या जो सरकार की योजना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं वो वहाँ पर जनमंच के दिन आ सकते हैं। इस जनमंच को लेकर हमारी जो जनमंच के पूर्व की गतिविधियाँ होती है वो हमारी सब जगह शुरू हो चुकी है और हर पंचायत में हम एक दिन का कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें कि सभी विभाग के अधिकारी वहाँ पर उपस्थित होते हैं और जो लोगों की समस्या है या सरकार की विभिन्न विभागों की जो जानकारी देनी है वो भी उन कैंप्स के माध्यम से, प्री जनमंच के कैंप्स के माध्यम से लोगों को दी जा रही है। इस जनमंच की आज हमने एक समीक्षा बैठक रखी थी और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं ताकि वो पूरी तैयारी के साथ जनमंच के दिन आए और लोगों की जो जितनी शिकायत है, जो ग्रीवेंसेज हैं उसका निपटारा पहले ही हम कर लें और जनमंच के दिन जो शिकायतें और आ जाएंगी उस दिन उसका भी निपटारा अच्छे से कर लें, समय रहते कर लें। गौरतलब है कि इस बार 16 जून को सदर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटली में जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटली के प्रांगण में होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर करेंगे।